एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं देसी प्रतिशी पत्रकार पवन कुमार आपके सामने। और जैसे कि हम आपसे हर पंचायत को एक नए पंचायत के साथ में जुड़ रहे हैं, आपको पंचायत के बारे में आपको बतलवा रहे हैं कि क्या क्या नए कार्य हुए हैं उस पंचायत के अंदर, क्या कुछ अधूरे रह गए हैं, क्या कुछ मनसा थी उनकी, सरपंचों की। तो आज एक नई पंचायत के साथ में हम आपके सामने जुड़े हुए हैं और पंचायत है गणियार। आपको बताना चाहेंगे इस पंचायत के बारे में, काफ़ी बड़ी पंचायत है और काफ़ी सारे इसमें काम हुए हैं। बाकी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंचायत के मौजूद लोग, सरपंच सर भी यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी, कौन जी, धन्यवाद गांव में पधारने पर आपका। आपका भी सर सभी का स्वागत है। स्वागत है जी, कौन जी आपका। तो सर, जैसे कि बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है कि आपके गाँव का जो इतिहास होता है, गाँव कितने साल से है, कैसे भाषा, उसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को जरूर बताएं सर। काफ़ी पुराना गांव है जी, हमारा निकास यहाँ कारिया से है और बड़ी अच्छी परंपरा रही है गांव की। आर्य समाजी गांव है हमारा जी। लोग काफ़ी जागरूक हैं, यहाँ हवन यज्ञ वगैरह कराते हैं जी। लगभग सर कितने साल से गांव आपका, मतलब बताएंगे एक बार थोड़ा, लगभग कितने साल से? मैंने तो अपने लेवल पर सुना है 500 से 600 साल, 500 वर्षों से गाँव, 500 वर्षों से गांव बसा हुआ है। अभी तो गांव का इतिहास आपने देख लिया गणियार का, कि भाई बताया गया है कि अभी 500 सालों से गांव है और कारिया से निकास है इस गांव के रहने वाले लोगों का। तो सर, ये तो था आपके गांव के जो निकास के बारे में। अभी बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपके गांव के अंदर पिछली योजनाओं के तहत, जो जितनी भी पिछली योजनाएँ गई हैं उनके तहत और अंतर करते हैं आपकी योजना का, तो कितना क्या कुछ कार्य रहा है सर? हमने जी बेस बड़ा के काम किया है। गांव की जो फिरनी थी, रिंग रोड थे, शमशान घाट था, उनको सबको पक्का टाइल लॉकिंग का कार्य किया है और लगभग छोटी से छोटी गली हमने पूरी करवा दी। अच्छा, जो बचे हुए काम थे वो प्रयासरत हैं, ये महामारी आने की वजह से काम में रुकावट आई। सर, जैसे कि आपने बताया कि गांव की हर गली आपने पक्की करवा दी, तो ऐसी तो कोई नहीं है कि कोई गली एक आधी बची हुई हो या किसी कारण से बच गई हो? ऐसा कोई है नहीं, एक दो गली थी वो अभी गाइडलाइन में दे रखी है, तो वो हो जाएंगे। सर, इसके साथ साथ में आपने जैसे कि रोड बनाया, गलियां बनाई, तो साथ में पानी की निकासी के लिए अपने गंदी नालियां भी तैयार करवाई होंगी? हाँ, निकासी के लिए नाली करवाई, रिचार्ज बोर करवाए हैं। अच्छा, और सोख तक भी बने। रिचार्ज बोर आपने सर सन कौन से सन में करवाए? ये 2017 में। अच्छा अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जैसे कि 2016 में तो रिचार्ज बोर है वो बंद बैन कर दिए गए थे, उसके बाद में हमने ADC से बात करके टेम्परेरी करवाए थे, काफ़ी कामयाब रहे। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब ऐसा तो जैसे कि आपके गांव का जो जोड़ वगैरह गंदे पानी निकासी के लिए वो नहीं है सर? जोड़ जी पहाड़ की तरफ पड़ता है, वहाँ पानी की निकासी हो नहीं सकती, लंबा ऊँचाई की साइड में है और लंबा जाना, तो जिसकी वजह से ये परेशानी आई है। तो सर, इसके साथ में आपने और क्या कार्य करवाए हैं आपके गांव के विकास कार्यों को लेकर? गांव में जी ये मेन तो टाइल रोड की समस्या थी, जो लिंक रास्ते थे जैसे बाजार की तरफ था, ढाणी की तरफ था, एजेंसी बोचड़िया वाला रोड था, और जो लिंक रोड थे एक अम्बेडकर भवन की, लाइब्रेरी कोशिश की, पार्क बनवाए। लाइब्रेरी फिर आपने बनवाई सर बच्चों के लिए? हाँ, लाइब्रेरी अभी चालू नहीं हुई है। अच्छा, तैयार हो चुके हैं। तो सर, जैसे कि हमारे गांव के अंदर युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, उनके लिए अपने खेल स्टेडियम का कैसे क्या प्रावधान तैयार किया सर? हाँ जी, हमने 2 एकड़ भी जमीन पंचायत जो पट्टे पर थी उसमें रेजुलेशन पास किया हुआ है जी, और 1.5 एकड़ में तैयार भी कर दिया है। मतलब 2 स्टेडियम तैयार होंगे, 1-2 एकड़ में, 1-1.5 एकड़ में। हाँ जी। तो गाँव से नज़दीक हैं या सर दूर? हाँ, बिल्कुल नज़दीक है। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जिस गांव से मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, ये गांव है गणियार गांव है और ये अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट है ये, जिला महेंद्रगढ़ आता है। अगर बात करते हैं कि लगभग लास्ट छोर के ऊपर है महेंद्रगढ़ का ये, उसके बाद में सर यहाँ पे राजस्थान के करीब, राजस्थान सीमा से सटा हुआ है, राजस्थान सीमा से सटा हुआ है, जैसे कि इधर मुझे लगता है कि और सर, जैसे कि बात कर रहे हैं कि गांव के अंदर आपने नए जोड़ पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि पानी का जो समतल है वो बना रहे, कैसे जोड़ वगैरह आपने तैयार करवाए? हाँ, जोड़ जी हमने नए का काम तो किया नहीं, बाकी सरकार के लिए जोड़ छटाई हो चुकी है, उसमें पानी आना बाकी है। तो ये आपने किसी नहर से लिंक करवाया? जी हाँ, अभी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसीजर में। अच्छा 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 अच्छा, तो लगभग आपने ये जो काम करवाया है सर, कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये जोड़ के पानी के? अभी फसल कटी है जी, अब एक्शन साहब से बोल के आए हम जी, और मंत्री ओम प्रकाश जी से बात की है जी, इसमें जल्दी पानी डलवाया जाए।
अब बहुत जल्दी पानी की व्यवस्था बन जाएगी। सर पानी पीने की व्यवस्था कैसी है गांव के अंदर? पीने की चार ट्यूबवेल है, सुचारू रूप से चल रही है, पानी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, बराबर प्रत्येक घर के अंदर पानी जा रहा है सर? हाँ खूब जा रहा है, मवेशियों को दे रही हो रहा है। तो सर ये जैसे कि जो पानी की बात कर रहे थे, ये चलो सुन लो, सर ये जो पानी की बात कर रहे थे, ये पानी प्रत्येक घर के अंदर जा रहा है, नल लगवाए हुए हैं आप? हाँ जी, ऑलरेडी पहले फिटिंग, तो ये नई लाइन डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले जो अंडरग्राउंड लाइन ओपन भी डाली हमने जी। आप क्या कहना चाहोगे आपके गांव के विकास कार्यों को? हमारे गांव में बढ़िया काम हो रहे हैं और आगे बढ़िया होते रहेंगे। कितना विकास हुआ है कि पिछली योजनाओं को देखते हैं, इस योजनाओं को देखते हैं? हर योजना में अलग अलग विकास तो होते हैं जी। जैसे ग्रांटें मिलती हैं, सरकार जैसी व्यवस्था करती है उस हिसाब से काम होता है। मैं भी 2000 से 2005 तक सरपंच था। मेरे गांव में पंचायत के कुओं के ट्यूबवेल कनेक्शन कटे हुए थे, जब मैंने चार्ज दिया तो कोई पानी नहीं, तो बाहर से सप्लाई थी बाहर के ट्यूबवेलों से। मैंने खुद हर घर में पानी पहुँचाया और कुएँ चालू किया। गाँव की आमदनी को लेकर के, गांव की आपकी आमदनी क्या है? हमारी ये पौने चार लाख का जो 23 एकड़ में पट्टा छुटता है, पौने चार लाख के जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गांव की आमदनी है। हाँ वही है। तो सर वो जो पैसे आते हैं लगभग आप किस में प्रयोग करते हैं उन पैसों को? उन पैसों को जी पानी में और ये छोटे मोटे जो गड़ी हैं और विकास कार्य, छोटे मोटे जो काम हो जाते हैं उनमें आप लगाते हैं जी। सर बच्चों के लिए व्यायामशाला? हाँ व्यायामशाला दे रखा है, प्रोसीजर बनी नहीं है, तैयार नहीं हुई है। मतलब प्रोसेस आपने तीन चार जो काम है वो प्रोसेस के में ही है जो हुए नहीं, कारण क्या रहा होगा सर जो न होने का या अटक गया हो? ये जो बीच में चुनाव आ गए थे उसके बाद में महामारी का कारण। अच्छा 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 अच्छा, तो लंबे समय से जो अटके हुए हैं, तो आशंका है कि आपकी 2-3 महीने जो बचे हुए हैं? पूर्ण विश्वास है जी, सरकार बढ़िया काम कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसमें उठ करके जो बातें आ रही हैं, तो ये जो काम आपका रेगुलरली हो जाएगा, पूरा काम होगा? हाँ होगा जी, संतुष्टि है। सर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके जो क्षेत्र का पार्षद कौन है? पार्षद बोचड़िया से है। बोचड़िया से सुनीता वर्मा ने सर कोई ग्रांट दी है? अब ये 6 लाख रुपए की दी थी अम्बेडकर भवन की। अच्छा अभी दी है? इतना पहले दी थी, अभी बिल्डिंग तो तैयार होगी। अच्छा 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 अच्छा, और सर ब्लॉक समिति मेम्बर? ब्लॉक समिति में कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया है। काफ़ी सारे देखो दर्शकों, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देखने में आती है कि पार्षद की बात कर रहे हैं, अगर विधानसभा क्षेत्र अटेली या फिर ये जो 9 गांव है या सर 24 गांव है कि 28 गांव है, 28 गांव में जहाँ पे सुनीता वर्मा जो है पार्षद रही हैं, इन्होंने, मैं पहली इस गांव में सुन रहा हूँ सरपंच साहब कह रहे हैं कि 6 लाख रुपये की अम्बेडकर भवन को ग्रांट दी है। हालांकि मैं इतने सारे गाँव में जा चुका हूँ, मैं किसी भी गांव ने ये नहीं कहा कि हमें पार्षद साहब ने कोई ग्रांट दी है। आज तक का ये है कि मैं इतने गांव में जा चुका हूं कि हम, अच्छा वो खुद भी बोलते हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था तो वो खुद भी बोलते हैं, बोल जी हमने किसी गांव में ग्रांट दी ही नहीं। हाँ उन्होंने डाली कैसे? हाँ तो ये चीज़ रही है। ब्लॉक समिति मेम्बर की भी बात करते हैं, उनका भी यही रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं पैसे या ग्रांट नहीं दे पाए। अब कारण क्या है उसका कह नहीं सकते, क्या रीज़न है कि भाई वो ग्रांट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों विकास नहीं करवा पा रहे हैं, जो उनकी वो बोलते हैं ना उनकी झोली में जो गांव के लिए पेमेंट आती है क्यों नहीं दे पाते हैं, क्या कारण है? एक तो ये गलत हो रहा है वैसे, कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जाए या गवर्नमेंट को देखना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पहुँचाते हैं वो ग्रांट जो उनके थ्रू आते हैं वो। सर गाँव के अंदर शमशान घाट का कैसे आपने? शमशान घाट का हमने बेस उठा कर दी, वहाँ पर चार द्वारी कर दी और लोगों ने मकान भी बनाए हैं दो। अच्छा अच्छा अच्छा, बरसात हो गई, टीम शेड भी डाल दिया जी और टाइल रोड भी हमने डाल दिया। मैं पहुँच गया वहाँ पर, चार द्वारी थोड़ी अधूरी है वो शायद, इसके साथ मैंने तरीके से सुधार किया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ में जैसे की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके गांव के अंदर जो ये आंगनबाड़ी केंद्र है, इनके लिए कैसे क्या? हाँ चार आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, तो दो की बिल्डिंग नहीं है, वो हमने प्रस्ताव में डाल रखी है जी, बाकी दो प्राइमरी स्कूल में और एक अन्नाबाद में चला रहे हैं। सर बात कर रहे हैं जैसे कि गाँव के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पवन जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा गाँव 400 साल पुराना है जी, करीब 500 साल का, और 3
सीमाओं से, राजस्थान की सीमाओं से घिरा हुआ है, अंतिम छोर का गांव है। लेकिन अंतिम छोर के गांव होने के साथ साथ बहुत सारे जो नेक कार्य भी हमारे सरपंच महोदय कर पा रहे हैं, पिछले भी कर पा रहे हैं, आपका तो अति सुंदरी कार्य कर पा रहा है। और मैं ये आप बोल रहे थे कि ब्लॉक समिति और जिला पार्षद, ये शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया के समय में आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, इनका अता पता कुछ होता नहीं है, नहीं इनको अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान है कि हमारे पास शक्तियाँ क्या हैं, हम कहाँ से क्या करवा सकते हैं। अब मात्र गांव भी सरपंच और पंच के लेवल तक रह जाता है, या फिर उसके बाद वो पहुँचता है तो विधायक महोदय के पास पहुँचता है कि हमें ग्रांट दे दीजिएगा। अब इनको पंचायत समिति और जिला पार्षद ये सब जो बोलते हैं बरसाती मंडक की तरह आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब इनको ये पता नहीं गाँव से वोट लिए हैं, तुम्हें वोट का अधिकार क्या है, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। उस टाइम तो बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद में इनको कुछ पता नहीं है, पता नहीं पैसे लेके हमारा वोट डाला और इनके अति श्री हो गई। तो ये है ना, जब सभी नीचे से लेकर के पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, विधायक, MP ये सारे मिलके जब काम करते हैं ना तो आनंद अलग आता है और छोटा छोटा काम भी बड़ा काम बन जाता है। सर, अगर ये बात आपने कहना है जैसे कि पंच से लेकर के अगर MP तक की बात करते हैं, अगर ये मिलकर के काम करें ना तो सर विकास नाम की चीज़ अगर हो ना, ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, अगर वो अपनी प्रॉपरली अपनी शक्ति को पहचान कर अगर काम करते हैं, गाँव के अंदर करते हैं, अपने क्षेत्र में करते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में करते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में काम करते हैं, काम ऐसे उभर के आएगा, वो ऑटोमेटिक गाँव का, गाँव से लेकर के लोकसभा क्षेत्र तक का नाम हो जाएगा सर उसके अंदर, तो है ना जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अब वो सरपंच महोदय ने अभी कहा कि अम्बेडकर भवन का 6 लाख रुपया जिला प्रमुख से मिला था, अब वो हम देख रहे हैं कि मैंने बार बार यही हिसाब से बात की है, वो कहते हैं मेरे पास पेमेंट नहीं आई, अब वो खंड रनुमा खड़ा है हमारे पास, मैं लिपाई नहीं हो पाई, उसका प्लस्तर नहीं हो पाया है, उसको मैंने 2-3 बार सफाई भी की है। सरपंच महोदय भी बड़ी कोशिश कर रहा है, हमारे पूर्व सरपंच महोदय राजेंद्र जी भी है, ये भी हमारे साथ चलते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल के जाता हूँ, इनको साथ लेता हूँ, तो अब वो बात करते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं आएगी। अब वो जब बन के तैयार हो गया, अब वो पेमेंट आएगी तब तक उसका जो लेंटर उगड़ने लग जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ जो काम जमीन लेवल से चलता है तो उसको पूरा करके ही दम लेना चाहिए। अब वो सरकार की कमियाँ रही हैं या कहीं JA साहब की कमियाँ रही है, क्योंकि वो सरपंच के अंडर में था नहीं। अब सरपंच के अंडर में जो काम होता है वो तो हम भी दबाव दिला के और करवा देते हैं। अब एक्शन पंचायत राज के तहत उसने काम कर दिया, अब बताते कि 6 लाख रुपये मिला है। अब मैंने JA से जितेंद्र से बात की थी, उसने कहा कि मेरे पास पेमेंट नहीं आई है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, हो सकता है कि पेमेंट ही नहीं आई होगी, अगर पेमेंट आई होती तो JA साहब भी आ गए, उस पर एक्शन करते और काम करते, और कहीं ना कहीं ये रहा है। क्योंकि मैं इतने गाँव में गया हूँ, जितने गाँव में लगभग गाँव में गया हूँ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सुनीता वर्मा जिला पार्षद ने हमें पेमेंट दी है। मैं सुनीता वर्मा की बात ही करना चाहूँगा कि मैं एक दो बार जो गांव में आई है सुनीता वर्मा, अब वो हमारे से यहाँ से 2 बार पार्षद रह चुकी है। अब 2 बार पार्षद रहने के बाद तो आपको पता है हर आदमी उसको जान जाता है, वो सबको जान जाती है, लेकिन हमारे गांव में जब डेवलपमेंट का नंबर आता है ना तो सुनीता वर्मा कहीं पर नहीं पाती, सीधी बात। अब हमारा एक दिक्कत और भी आ रही है कि हमारा जो वार्ड है वो SC में कन्वर्ट किया हुआ है परमानेंटली। हम ये कहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें क्योंकि इसको तोड़ा जाए, और जो हमारे 2 गाँव हैं वो पता नहीं प्रशासनिक दबाव से या उन्होंने अपनी शक्ति से जो बनियार और बाजाड़ का जो गांव है वो 9 नंबर वार्ड में रखा है, और बाकी हमारे सब नज़दीकी क्षेत्र के जो गांव हैं वो 10 नंबर वार्ड में रखे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहुँच ये निवेदन करना चाहूँगा, हमारे विधायक महोदय ने तो कह दिया है कि अभी वार्डबंदी हो रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2 गाँव हैं ये 2 गाँव भी वार्ड नंबर 10 में मिला लिए जाएँ। तो ये गाँव हमारे चंदपुरा, सुजापुर, रोचड़िया, सलीमपुर, जो सारे नज़दीकी गाँव, अब हमारा जो वार्ड है 9 नंबर वार्ड है वो हमें करीना तक, महेंद्रगढ़ तक भेज दिया गया, और जो 10 नंबर वार्ड है जो चंदपुरा से वापस काटीखेड़ी तक भेज दिया गया। तो ये मतलब पूरा पता नहीं अगल बगल ऐसे बना के पता नहीं किस राजनीतिक क्षेत्र के आधार पर या किसके परिसर की वजह से, तो थोड़ा सा कम्बिनेशन गैप। हम कोशिश कर रहे हैं कि गणिया बाजार 10 नंबर वार्ड में चला जाए और ये SC से हट के अभी हम थोड़ा ज़्यादा काम कर पाएँ और कोई ऐसे आदमी को उठा पाएँ। मैं भी बात कहना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई ये वार्ड जो दे रखा है वो 9 नंबर वार्ड दे रखा है, SC में दे रखा है, तो वही मैं चीज़ कहना चाहूँगा इनको बदला जाए। जैसे कि 2 योजना SC दे दीजिए, 2 OBC दे दीजिए, जनरल दे दीजिए, उसी तरह से हाँ स्टेप वाइज दे दीजिए, ताकि सबका जो भी प्रतिभा है वो उठ करके आए और अपना काम, अपना जो दिखाए भाई समाज में आकर के, लोगों के साथ में जुड़ करके काम करे। ये ऐसा होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं भी चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान जरूर ले कि बहुत ज़रूरी है कि भाई बदला जाए, बार बार में बदला जाए, और शायद मुझे लगता है शायद अब की बार बदल दिया भी जाएगा। 9 नंबर है वो सर जनरल में आएगा शायद मेरे हिसाब से। हमारे विधायक महोदय से बात करें तो विधायक महोदय भी चौंक गया
कि यार ये दो गांव अलग कैसे छोड़ दिए गए, कि ये तो हमारे गांव के नज़दीक गांव है, क्योंकि हमारे गणियार बाजार सुजाप चंद्रपुरा बोला जाते हैं, हमारा विधायक महोदय भी बीजेपी से है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको बात करते हैं तो हमसे बात। सर मैं इसके पीछे राजनीतिक कारण बोलूँगा, राजनीतिक माइंड है और कुछ भी नहीं है। नहीं वही तो बात है ना, आज से पहले लेकिन अब राजनीतिक माइंड नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे 3 किलोमीटर के दायरे में 3 MPs हैं। सुजापुर चंदपुरा ये 10 नंबर में, सुजापुर चंदपुरा 10 नंबर में, 10 नंबर में कहाँ से बगल से निकाल करके दे दिए, ये निकाल दिए गए, और बगल से भी क्या निकाला है सर, उसके बाद में चंदपुरा के बाद में काट होश लग जाता है मेरे हिसाब से। मतलब वो कट मार के जो निकाला गया, अब ये गहराई में जाए तो कहाँ से पता चले कि भाई ये गाँव क्यों निकाले गए, विकास नाम की इसलिए चीज नहीं हो रही कि दो गाँव लेने हैं और दो गाँव से लेकर निकल जाए, यही होता है, यही हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि विकास के लिए पूरी टीम सक्रिय रहे, जैसे हमारे सर महोदय कर रहे हैं जी, ग्राम के क्षेत्र में लगे हुए हैं, इन्होंने पूरा संज्ञान लिया हुआ है गांव की तरफ से, और उन दो जमीन भी दी है, 1.5 एकड़ में हमने खुद सरपंच महोदय ने हमने अपने हाथों से पोल डाल के और बच्चों के लिए स्टेडियम बनाया है, जोर की खुदाई हमारी 7 फुट करवाई है, अब मात्र से मात्र हमारे काम रह रहा है कि 1-2 एकड़ के से लाइन दम के और जोर में पानी आना है। अब वो किस आधार पर नहीं आया कि हमें पहले बताया गया था कि भाई जब फसल कटेगी तब आ जाएगा, लेकिन कोटाणा की महामारी ने पूरा बट्टा धार कर दिया, इसलिए हमारे दौड़ में शायद पानी अभी 6 महीने के लिए शायद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फसल की बुआई हो चुकी है, फसल की बुआई नहीं की है, उसके बाद में सर अभी चुनाव आ जाएंगे, पंचायती चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद में मेरा जाता ख्याल है कि अभी ये पानी जो डलेगा अगला सरपंच आने वाला सरपंच डालेगा और मई जून तक ही डल पाएगा। तो लेकिन कोशिश ये हो कि बहुत जल्दी शायद ये काम निपट जाए। सर जैसे कि देखते हैं कि आप क्या सोच विचार करके आए थे, और जो सोच विचार करके आप पंचायत में आए थे, तो क्या वो काम बन पाए या कुछ अधूरे रह गए? देखो जी, 80% काम तो धरातल पे हो गए हैं, कुछ कमियां रह गई, जैसे रोड में पानी डलना था, बच्चों का स्टेडियम था, ये चीज़ें थोड़ी अधूरी रह गई, मतलब ये सपने रह गए हैं। जी जी सर, जैसे कि आपने अपने गांव के बारे में बताया, सर ने भी बताया, सर अभी आपके पास में कुछ समय बच गया है, जैसे कि 2-3 महीने बच गए हैं, तब तक चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कि क्या क्या कार्य आप संपूर्ण करके जाएंगे? संपूर्ण तो यही है जी, एक तो जोड़ में पानी डल जाए और बच्चों का जिम वगैरह सामान आ जाए, खेल के प्रति काफ़ी रुझान है बच्चों, और जो भी लिंक रोड रह रहा है, जैसे अटेली वाला रास्ता है, छोटी फिरनी रह रही है मेन, ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने बताया सर, ये सारे काम भगवान की दया से, और मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान लेगी और बहुत जल्दी कार्य होंगे। तो अभी आपके साथ में जो पंचायत हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, पंचायत है गणियार जो बजाड़ बोलते हैं, गणियार गांव की पंचायत हमारे साथ में जुड़ी हुई थी अटेली विधानसभा क्षेत्र में, और जो लास्ट छोर है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रसान से स्टिक है। तो पंचायत ने के कार्य आपने देखे और सारे सीन भी आपने देखे हैं, तस्वीरें भी आपने देखी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। दोस्तों जैसे कि एक बात बोलना चाहूँगा कि आपका जो प्यार है, आपके जो वीडियोस देखते हैं, यही हमें कहीं ना कहीं उत्साहित करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले समय में अगले वीडियो के अंदर हम कोई भी गलती ना करें। अगली पंचायत से मिलने के लिए जल्दी है, जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका, धन्यवाद जी सभी का, धन्यवाद जी। हम काम में पूछने पर आपका हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप जैसे लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, ये कृपा करके गांव में आते रहें, क्योंकि गांव में तो जब पत्रकारिता पहुँच जाती है तो बड़ा उत्साह होता है, और आप हमारी आवाज़ को, हम आपको ये तय दिल से कहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी सुनवाई हो और गांव का उत्थान उन्नति पर जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सभी, धन्यवाद।